Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see passing events as props in React.js. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है. क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ वी कैन पास इवेंट हैंडलर्स एज अ प्रॉप्स इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन. क्या होता है इसका मतलब आप देख लीजिए, है ना. एक सेकंड, पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना. सो गाइस, आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पे वी हैव वन कंपोनेंट सीरीज कार्ड जिसके अंदर मैंने दो प्रॉप्स को पास कर रखा है. बेसिकली दो वैल्यू है, की एंड दूसरा है मेरा डेटा. इनको मैंने एज अ प्रॉप्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पास की है एंड वहां पे मैंने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करके मैं उनको गेट कर रहा हूँ. तो मैंने क्या की, मैंने इस कंपोनेंट में दो प्रॉप्स पास किए हैं, राइट. तो अब उसी तरीके से आज इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक तरफ आपने ये जो प्रॉप्स पास की वो तो एक वैल्यू है, वो एक डेटा है, लेकिन क्या हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऑन क्लिक करके मैं क्या कोई फंक्शन जो है या जो इवेंट है ऑन क्लिक वो पास कर सकता हूँ, समझ रहे हो. तो वो आज इस वीडियो में आपको देखना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लीजिए सबसे पहले, तो एक सेकेंड इसको मैं ये कर देता हूँ इस तरीके से वाला. इस पे ध्यान दीजिएगा खाली, पासिंग इवेंट हैंडलर्स एज प्रॉप्स इन React.js इज अ कॉमन पैटर्न. ये कॉमन पैटर्न है यूज टू अलाउ चाइल्ड कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद पेरेंट कंपोनेंट. तो आप समझ रहे हो, रिएक्ट में अगर इवेंट हैंडलर्स हम एज अ प्रॉप्स पास कर रहे, ये एक ऑसम तरीका है जहां पे आप जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. लाइक इट यूज टू अलाउ चाइल्ड कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट कंपोनेंट एंड हियर आर सम यूजफुल सिनेरियोस इंक्लूडिंग लाइक जब आप फॉर्म हैंडल कर रहे हो या यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आपकी स्टेट मैनेजमेंट की बात आती है या कॉल बैक फंक्शन में जब बात आती है. तो इन सारी जगहों पे गाइस जो इवेंट को हम जब एज अ प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होता है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट, तो आई होप आपको पता चल गया होगा इवेंट हैंडलर्स हम यूज करें ताकि जो चाइल्ड कंपोनेंट है, अब हमारे केस में सीरीज कार्ड जो है ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये बात कर सके अपने पेरेंट कंपोनेंट दैट इज नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट से, ठीक है. तो कैसे मैं बताता हूँ, फिलहाल इसको हटाओ, इसकी हमें नीड नहीं है, सीरीज कार्ड की नीड नहीं है, इवेंट हैंडलिंग की नीड नहीं है. कंपोनेंट्स में चलेंगे, इवेंट प्रॉप्स लिख दो डॉट जेएसएक्स. मैंने एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट की, कॉन्स्ट इवेंट प्रॉप्स इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट, यहाँ पे लेट्स रिटर्न. आई होप इतना तो आपको पता चल ही चुका है यहाँ तक, तो जो भी मैंने की लेट्स सबसे पहले वी नीड वन पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, एंड दैट इज आवर इवेंट प्रॉप्स. अब मुझे एक चाइल्ड कंपोनेंट चाहिए, सो मैं यहाँ पे वेलकम, मैंने क्या लिखा, वेलकम यूजर, ठीक है. इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दी. अब इस पे मुझे प्रॉप्स पास करने, बट कौन से, इवेंट हैंडलर्स एज अ प्रॉप्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन एंड देन क्लिक, ठीक है. ये तो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट में ही मैं इसको एज अ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, है ना. हालांकि ये तो उसका नाम है, बट आप इस तरीके से करना. एंड फैट एरो फंक्शन में यहाँ पे जानबूझ के, याद है कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक आर्गुमेंट भी पास करना है, एंड दैट इज हैंडल वेलकम यूजर, एंड यहाँ पे मैं अपना नाम भी इस तरीके से पास कर दे रहा हूँ. ऑलराइट, तो ये मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें मैंने ऑन क्लिक करके एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक इवेंट है, उसको मैंने पास कर दी एज अ प्रॉप्स. अब मैं यहाँ पे एक और पास करना चाहूंगा एंड वो है ऑन माउस एंटर, ठीक है. मतलब द मोमेंट आप माउस लेके जाते हो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंडल ओवर, बेसिकली हवर स्टेट आप इसको कह सकते हो. एंड अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, देखो ना, ऑन क्लिक करने पे हैंडल वेलकम यूजर, इसको तो मुझे डिफाइन तो करना पड़ेगा. इस तरीके से चल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ, सॉरी मुझे इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है. ये लिखा है डॉलर एंड देन यूजर, ठीक है. इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट हैंडल हवो, एक सेकेंड ये क्या हो गया, हैंडल हवो, यूजर की कोई भी नीड नहीं है, है अवरिंग मी, ठीक है. ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दी. सो हम क्या कर रहे हैं, We have one parent component. उसके अंदर हमने एक child component को call किया हुआ है. उस child component के अंदर मैंने दो event as a props में pass कर रहा हूँ. अब मेरे ये जो child component है, अब उनके ऊपर है कि कब वो इस event को call करे, right?
आप समझ रहे हो, तो ये तरीका हुआ ना कि चाइल्ड कंपोनेंट अब पेरेंट कंपोनेंट से बात कर रहा है, जहां पे चाइल्ड कंपोनेंट में जब इन फंक्शन बेसिकली इन इवेंट की नीड होगी तभी वो कॉल करेंगे या क्लिक करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्ट वेलकम यूजर, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली वी हैव प्रॉप्स, ठीक है। सो वी रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं फिर से वही कर देता हूँ, एंड वी हैव टोटल टू बटन्स, दूसरा वी हैव बटन हवा में, तीसरा वी हैव अ बटन जिसमें ग्रीटिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरे पास इतने सारे बटन है। अब जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, देखो यहाँ पे भी ऑन क्लिक तो मुझे लगेगा, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इवेंट तो मुझे लिखना पड़ेगा, एंड ये ऑन क्लिक अपना इवेंट है, बट जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तब मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, मुझे मेरे पेरेंट में जो ये हमने डिफाइन किया दैट इज हैंडल वेलकम यूजर, इसको मुझे कॉल करना है, एंड इसके लिए क्या है, यहाँ पे ऑन क्लिक है। इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूं, अगर मैं ऑन क्लिक को कॉल करूंगा तो प्रॉप्स डॉट वी हैव अ ऑन क्लिक, परफेक्ट, एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको हवर मी है, मतलब जब भी कोई इस बटन को हवर करे तो हमारे पास ऑन हॉवर करके कोई भी इवेंट नहीं है इन रिएक्ट जस्ट, ये मेक श्योर कर लीजिए पहले तो आप, एंड दैट्स द रीजन व्हाई क्यों मैंने माउस सेंटर लिखा है, एंड यहाँ पे भी सेम वही चीज, वी हैव अ प्रॉप्स डॉट ऑन माउस एंटर, परफेक्ट राइट, एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक तब मैं खुद से एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज हैंडल ग्रीटिंग्स, हैंडल ग्रीटिंग। अब ये जो हैंडल ग्रीटिंग है ये तो चाइल्ड कंपोनेंट का अपना खुद का एक फंक्शन है, तो मुझे उसको तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये लिया ताकि आपको पता चले कि ऐसा हम कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग में चलता हूँ, एंड यहाँ पे है यूजर वेलकम लिख देता हूँ फिर से, एंड वापस यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, देखो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। एक तो जब मैं अब इस बटन पे क्लिक करूंगा वो पेरेंट कंपोनेंट की इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, अब अगर इस बटन को क्लिक करता हूं तो पेरेंट कंपोनेंट का ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कॉल कर रहा होगा, एंड थर्ड वाले को करता हूं तो ये इसका अपना खुद का फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, लेकिन द मोमेंट वो हम कॉल करते हैं उसके बाद वापस प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक जो वापस इसको वो कॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, एंड बाय द वे वहां जाके फायदा नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा प्रॉप्स, है ना, इसको क्लोज करता हूँ एंड इवेंट हैंडलिंग को मैं हटाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्लिक, हे विनोद पॉपअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ये जो क्लिक है ये किधर है, ये तो गाइस हमारे यहाँ पे है चाइल्ड कंपोनेंट में है, राइट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में मैं मेरे जो पेरेंट कंपोनेंट था उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट, लाइक आप देख सकते हो इवेंट हमने पास की हुई है। सेकेंड है हमारा हवर, द मोमेंट मैं कुछ नहीं करूंगा खाली माउस ऊपर ले जाऊंगा, हे थैंक्स फॉर हवरिंग मी, ठीक है। अब ये जो ग्रीटिंग वाला है, ग्रीटिंग में तो सबसे पहले कंसोल पे मुझे ये दिखेगा एंड वापस ये ऑन क्लिक वाला कॉल हो जाएगा, तो इस पर अगर क्लिक करता हूँ, हे यूजर वेलकम, सो कॉल तो हुआ नहीं है, एक काम करते हैं, ओ सॉरी कॉल कैसे हो गया यार, देख कहा था ना मैंने जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो ये पैरेंथेसिस वी नीड टू मेक श्योर कि हम लिख रहे हो। अब फिर से अब मैं अगर क्लिक करता हूँ, हे विनोद एंड हे यूजर वेलकम, हमें ये डेटा आ गया, तो ये है ना कितना ज्यादा ऑसम। अब एंड और भी चीजें थी जैसे प्रॉप्स वाली जो बात थी, यहाँ पे डायरेक्टली अब इसको डिस्ट्रक्चर करके लाइक हम ये ऑन क्लिक एंड देन वो जो चीजें हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे गेट कर सकता था, राइट, एल्स बेस्ट तो यही रहता, अगर आप प्रॉप्स है क्यों इतना तकलीफ देना, डायरेक्टली यहीं पर ही ऑन क्लिक ऑन माउस एंटर फ्रॉम आवर प्रॉप्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्चरिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब एटलीस्ट जहां जहां प्रॉप्स लिखा है इनकी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब कितनी इजी हो गया कि आप कितनी इजीली मैं कॉल कर रहा हूँ, आपको वो प्रॉप्स लिखने की नीड नहीं है, हवर करने पे आ रहा है, ग्रीटिंग करने पे आ रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो आपको ये लग रहा होगा अबे ये क्या था, ये क्या हो गया यहाँ पे आज इस वीडियो में, इस वीडियो में हुआ ये कि आप अब पेरेंट कंपोनेंट में, पेरेंट कंपोनेंट भी क्या बोलना, आप कंपोनेंट में इवेंट को एज अ प्रॉप्स भी आप पास कर सकते हो। आज का वीडियो का मेन मकसद इतना ही था एंड उसके पीछे का क्या क्या रीजन है, क्या है बोल के मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स दिए, अब उसको चेकआउट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको आइडिया आ ही चुका है कि क्या है क्या नहीं है,
गाइस वीडियो गैन करने से पहले आई जस्ट रियलाइज कि एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, एल्स एक मिस इन्फॉर्मेशन चला जा सकता है आप लोगों के बीच, एंड दैट इज कि हम इवेंट पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप्स, राइट? तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने लिखा है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि इवेंट का जो एक्चुअल नाम है वही मुझे यहाँ पे लिखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवेंट तो आप कुछ भी लिखो ना, अब एक्चुअल में तो आप जो इवेंट फायर करोगे वो तो चाइल्ड कंपोनेंट में करोगे, तो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल इवेंट नाम है वो लिखना है। यहाँ पे तो मैंने ऑन क्लिक इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये एक ऑन क्लिक के लिए मैं कर रहा था बोल के। एल्स आप यहाँ पे इस तरीके से ऑन बटन क्लिक भी कर सकते हो। अभी आपने अगर ऑन बटन क्लिक वहां पे कर दी होगी तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से कॉल करना होगा। तो हम एज एन इवेंट हैंडलर्स बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम इनको पास कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस ये मेक श्योर रखना कि अगर आप इवेंट को पास कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इवेंट का नाम है, जैसे ऑन क्लिक हुआ, ऑन माउस एंटर है, या ऑन ब्लर है, या ऑन सबमिट है, या ऑन चेंज है, वही एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिखा ताकि गाइस आपको पता चल जाए कि मैं ये किस लिए लिख रहा हूँ, एंड चाइल्ड कंपोनेंट में मैं वही इवेंट यूज करने जा रहा था। यहाँ पे अब आप ऑन बटन नहीं कर सकते, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में जो है सो है, वही एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, बट पेरेंट कंपोनेंट में आप कुछ भी नाम दे सकते हो। समझ रहे हो? तो मेक श्योर जो एग्जैक्ट इवेंट का नाम है वही यहाँ देना जरूरी है, क्योंकि ये तो प्रॉप्स है। प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बट एटलीस्ट पता तो चले ना कि किस चीज का प्रॉप्स है, तो डेट्स वाई मैंने वो नाम लिखा था। तो मैंने सोचा यार एडिटिंग के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, एल्स आपको लगेगा कि पेरेंट कंपोनेंट में भी मुझे ऑन क्लिक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक इवेंट का नाम है इन रिएक्ट, बट ऐसा नहीं। मेन है आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन जो आप इवेंट के अंदर पास कर रहे हो, मेन तो हमारा ये इवेंट हैंडलर है, जहां पे अगर चाइल्ड कंपोनेंट ने इस पर्टिकुलर को कॉल किया तो क्या हमें करवाना है, कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। सो आई होप गाइस आपको ये पता चल गया, अब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे कि एग्जैक्टली वही नाम यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको सेम चाहिए, बट पेरेंट कंपोनेंट में ये आपका एक प्रॉप्स है विच मीन्स प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल के वीडियो एकदम ऑसम होने वाला है क्योंकि कल हम देखने जा रहे हैं इवेंट प्रोपेगेशन, जो कि अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा कि रिएक्ट में इवेंट प्रोपेगेशन का क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ पसंद नहीं है तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो अप्रिसिएट कर दीजिएगा, एंड बाकी की वीडियोज को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। एंड गाइस अभी तक आप मेरे ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, राइट? तो गाइस मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।